वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़ा सड़क हादसा हुआ। दुर्ग जिले के कुम्हावी में एक बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 14 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि मंगलवार रात ड्यूटी से लौटते समय कर्मचारियों से भरी बस खाई में गिर गई। बस में केड़िया डिस्टिलरी फैक्ट्री के करीब 40 कर्मचारी सवार थे। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा घायलों का हाल जानने के लिए एम्स पहुंचे। उन्होंने घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बात हुई है इन लोगों से, उसमें से 2-3 लोगों से, 2 लोगों की स्थिति और गंभीर है। अभी कुल 10 हैं अभी अंदर में, बाकी लोगों की स्थिति ठीक भी है। फाइनली एक जो भर्ती हैं उनसे पता चला कि बस की लाइट नहीं जल पाई थी और दोनों तरफ खाई है, ऐसी स्थिति थी। उसमें गाड़ी गिर गई थी, स्लिप हो गई गाड़ी, ऐसा इनका कहना था। देखिए और जांच से स्पष्ट होगी बातें क्या हुआ है।